हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर रवीना रसोई में स्वागत है। देखिए, आज हम बनाएंगे सामक के लड्डू। गोपाल के लिए लड्डू, जन्माष्टमी के लिए ये मैंने सामक लिए, उनको धो के और एक कपड़े पे सुखा लिया है आधे घंटे के लिए। देखिए, हमारे ऐसे ड्राई होने चाहिए, थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए इनमें, हल्की नमी। और मैंने इसको निकाल लिया है आधे घंटे के बाद, सूखने के बाद। अब एक पैन लेंगे, उनमें सूखा ड्राई करेंगे इसको धीमी आंच पे। तेज आंच में हमें ड्राई नहीं करना है, क्योंकि हमारे समा के चावल अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए हमें धीमी आंच पे ड्राई करना है। इनको लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। देखिए, हमारे चावल बिल्कुल शामक वैसे हो जाएंगे जैसे हमने सूखे भिगोए थे, बिल्कुल वैसे हमारे ड्राई हो जाएंगे। लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे चलाना है हमें, तेज आंच नहीं करनी है। देखिए, हमारे चावल अभी ड्राई हो गए हैं सामक, और अभी इनको हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने दूध लिया है एक गिलास, उसको हम चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। देखिए, मैंने गाढ़ा कर लिया, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें, बीच का मीडियम गाढ़ा करना है। देखिए, हमें गाढ़ा रखना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। दूसरी तरफ हम इनको निकाल लेंगे सामक को एक पैन कटोरे में, और ठंडे होते तब तक हम ड्राई फ्रूट पीस लेते हैं। मैंने काजू और बादाम लिया है, इनको पाउडर बना लिया है, मीडियम है, ज़्यादा पाउडर नहीं है, निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम सामक पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक के पीसना है हमें। हमने सामक भी पीस लिया है। हम क्या करेंगे, अब इसी पैन में हमने जिसमें थोड़ा दूध गाढ़ा किया था उसी में छन्नी रख के हम इसको उसी में छान लेंगे, उसी में सारा मिक्सचर बना लेंगे। इससे हमारा खोआ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और दूसरे बर्तन में निकालेंगे तो कढ़ाई में रह जाएगा। अब मैंने मीठा डाल लिया है, इसी में मैंने काजू और बादाम का चूरा डाल लिया है, घी डाल लिया है, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। पैचुला की मदद से नहीं हो रहा है, हम इसको हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। हाथ से हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, घी कम रहेगा तो हम बाद में फिर डालेंगे। पहले इनको मिक्स करके देख लेते हैं, और मीठा भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। देखिए, हमारा अभी बैटर ठीक है लड्डू बनाने के लिए। हमने सारा मिक्स कर लिया, हमारा मावा भी अच्छे से मिक्स हो गया है कढ़ाई में। इसमें अब हम इलायची पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके हम सब लड्डू तैयार कर लेंगे। थोड़ा घी का हाथ लगा के हम सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे करके हम सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। अच्छे लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। देखिए, हमारे कितने टेस्टी लड्डू जन्माष्टमी के लिए तैयार हुए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। बाय गाइज़।